हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक सिविल, जहाँ पे आपको सीखने को मिलता है कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं, मगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलेगा। बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल के बारे में, जो है ब्रिक। ब्रिक ऐसा हमारा एक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल है जिसके बिना सारा का सारा जितना मैसनरी वर्क है, जितना मैसनरी कंस्ट्रक्शन है, वो हमारा इनकम्प्लीट है। उसके बिना हमारा कोई भी कंस्ट्रक्शन, जो मैसनरी कंस्ट्रक्शन है, वो नहीं हो सकता। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ब्रिक्स के क्लासिफिकेशंस के बारे में, ब्रिक्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में और कुछ ब्रिक्स के आइडेंटिफिकेशन के बारे में, कि हम ब्रिक्स को कैसे पहचाने कि वो अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स है कि पुअर क्वालिटी की ब्रिक्स है, ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रिक एक ब्लॉक शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसका स्टैंडर्ड साइज होता है 19x9x9 सेंटीमीटर, यानी कि 19 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है, 9 सेंटीमीटर विड्थ होती है और 9 सेंटीमीटर उसकी हाइट होती है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक, जिसे हम लोग बोलते हैं मॉडुलर ब्रिक। और जो ट्रेडिशनल साइज होता है ब्रिक का, जो इंडिया में इस्तेमाल किया जाता है, उसका होता है 29x11.4x7.6 सेंटीमीटर, यानी कि 23 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है, 11.4 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होती है और 7.6 सेंटीमीटर उसकी हाइट होती है। देखिए, जो एक स्टैंडर्ड ब्रिक का वेट होता है वो अप्रॉक्स होता है 2.5 से 3 केजी के बीच में। और ब्रिक के ऊपर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ब्रिक के अपर जो सरफेस होता है उसमें थोड़ा सा पार्ट जो है डिप्रेस्ड रहता है और उसमें थोड़ी सी जगह रहती है, उसको बोलते हैं फ्रॉग। बेसिकली फ्रॉग इसलिए बनाया जाता है ताकि जो उसमें मोर्टार मसाला भरते हैं उसकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाए और वो जो है ब्रिक जो है दो लेयर बनती हैं ब्रिक्स की, तो उसमें बॉन्डिंग अच्छे से हो जाए, तो इसलिए जो है फ्रॉग उसमें दिया जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ब्रिक। टाइप्स ऑफ ब्रिक्स में हम सबसे पहले देख लेते हैं सन ड्राइड ब्रिक्स, और जिसे हम लोग बोलते हैं अनबर्नड क्ले ब्रिक्स, यानी कि वो ऐसी ब्रिक्स जो हमारी बर्न नहीं की जाती हैं। देखिए, सन ड्राइड ब्रिक्स या अनबर्नड क्ले ब्रिक्स हमारी ऐसी ब्रिक्स होती हैं जो कच्ची होती हैं, जिसे बोलते हैं कच्ची ब्रिक्स, और ये इनको बर्न नहीं किया जाता है क्लिंग्स वगैरह में। इसको डायरेक्टली मोल्ड करके हम सनलाइट में रख देते हैं और उससे क्या होता है, उसके अंदर जो वाटर कंटेंट होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और वो ड्राइड हो जाती हैं। और ये जो ब्रिक्स होती हैं ये लेस ड्यूरेबल होती हैं, ज़्यादा टाइम तक ये चल नहीं सकती हैं, टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स में इस्तेमाल की जाती हैं, और ये जो ब्रिक्स होती हैं परमानेंट स्ट्रक्चर्स में हमारी इस्तेमाल नहीं होती हैं, और ये लेस वाटर रेजिस्टेंट भी होती हैं, मतलब इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन भी बहुत ज़्यादा होता है और फायर रेजिस्टेंस भी ये कम होती हैं। ये कुछ इस टाइप की ब्रिक्स होती हैं सन ड्राइड ब्रिक्स, जिनका ड्राई होने के बाद कलर हो जाता है ग्रेइश या फिर हल्का सा येलो हो जाता है। जो नेक्स्ट टाइप की ब्रिक्स होती हैं वो होती हैं बर्न क्ले ब्रिक्स। देखिए, ये जो ब्रिक्स होती हैं इनको अच्छे से क्लिंस में बर्न किया जाता है और ये गुड क्वालिटी की ब्रिक्स होती हैं, इनको हर जगह कंस्ट्रक्शन में, मैसनरी वर्क्स में इन्हीं को इस्तेमाल किया जाता है। और बर्न क्ले ब्रिक्स हमारी चार टाइप की होती हैं, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, सेकेंड क्लास ब्रिक्स, थर्ड क्लास ब्रिक्स और फोर्थ क्लास ब्रिक्स। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा बर्न क्ले ब्रिक्स का होता है वो होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। और ये जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होती है ये हमारी टेबल मोल्डेड ब्रिक्स होती हैं, अच्छे से क्लिंस में बर्न की जाती हैं, मतलब वेल बर्न ब्रिक्स होती हैं ये। और जो इनका सरफेस रहता है वो स्मूथ एंड रेक्टेंगुलर रहता है, बिल्कुल एकदम बराबर सरफेस रहेगा। और इस ब्रिक के जो एजेस वगैरह होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं, मतलब कि 90 डिग्री एंगल बनाती हैं वो, और ये इस शेप में एकदम रेगुलर होती हैं, एकदम शार्प एजेस और कॉर्नर्स वगैरह होते हैं। और जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का जो कलर होता है वो एकदम डीप रेड कलर होता है। और इन ब्रिक्स में कोई इफ्लोरेंस, कोई फ्लॉज, कोई लंप, कोई वाइट मटेरियल कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, ये मतलब अच्छी क्वालिटी के ब्रिक्स होती हैं। और फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होनी चाहिए वो 16% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 16% ऑफ द ब्रिक वेट।
और फर्स्ट क्लास ब्रिक्स में क्लियर रिंगिंग साउंड आनी चाहिए या फिर मेटालिक साउंड हमारी आनी चाहिए। जब हम दोनों दो ब्रिक्स को आपस में टकराएं तो उसमें मेटालिक साउंड आनी चाहिए, तो वो अच्छी ब्रिक्स मानी जाती हैं। और फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की जो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो 100 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए और 125 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन होता है सेकेंड क्लास ब्रिक्स। और जो सेकेंड क्लास ब्रिक्स होती हैं ये भी क्लिन्स में ही बर्न की जाती हैं, और ये ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स होती हैं। इनकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है वो 7 newton पर एम स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए, और ये शेंगुलर इन शेप होती हैं। बट इनके जो एजेस वगैरह होते हैं ये इतने शार्प नहीं होते हैं जितने फर्स्ट क्लास ब्रिक्स में होते हैं, और इन ब्रिक्स में कोई क्रैक्स वगैरह नहीं होता है। बट अगर कि छोटे मोटे क्रैक्स आ रहे हैं, डिस्टॉर्शंस आ रहा है, तो वो परमिट कर दिया जाता है, इतना कोई खास ध्यान नहीं गया था उस पर। और जो सेकेंड क्लास ब्रिक की जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होनी चाहिए वो 22% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इन ब्रिक्स में भी मेटालिक साउंड आनी चाहिए, अगर हम दो ब्रिक्स को आपस में टकरा रहे हैं तो मेटालिक साउंड इसमें भी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न क्ले ब्रिक्स का होता है थर्ड क्लास ब्रिक्स। और ये थर्ड क्लास ब्रिक्स हमारी ग्राउंड मोल्डेड होती हैं, ये क्लैम्प्स में बर्न की जाती हैं, ये सॉफ्ट ब्रिक्स होती हैं, और इनका जो कलर रहता है वो रेडिश येलो कलर रहता है, और इसमें डल साउंड आती है, और इसमें जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, 25% होती है। तो ये जो है ये ब्रिक्स हमारी लेस ड्यूरेबल भी होती हैं और पुअर क्वालिटी की ब्रिक्स होती हैं। इनका सरफेस एकदम रफ रहता है, डिस्टॉर्टेड एजेस भी होती हैं, और इनकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है वो होती है 3.5 newton पर mm². नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा होता है फोर्थ क्लास ब्रिक्स। अब ये जो फोर्थ क्लास ब्रिक्स होती हैं ये भी पुअर क्वालिटी की ब्रिक्स होती हैं, ये बहुत ज़्यादा ओवर बर्न हो जाती हैं, इसीलिए इनको फोर्थ क्लास में रखा जाता है। बैडली ये जो डिस्टॉर्टेड रहती हैं, ब्रिटल इन नेचर होता है इनका, और ये जो है ये क्रश करके एकदम एग्रीगेट के फॉर्म में ये इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कहीं रोड वगैरह बन रही है या फिर कहीं PCC में डालनी है तो ये क्रश कर दी जाती हैं, इनको यहीं इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक हमारा होता है फ्लाई ऐश ब्रिक्स। जो ये फ्लाई ऐश ब्रिक्स होती हैं ये वाटर और फ्लाई ऐश से मिल के बनती हैं, और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्ले ब्रिक्स से अच्छी प्रॉपर्टी इनकी होती है। फ्लाई ऐश ब्रिक्स में हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड होती है, जो हम सीमेंट के प्रोडक्शन के टाइम भी इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इनको हम सेल्फ सीमेंटिंग ब्रिक भी कहते हैं। फ्लाई ऐश ब्रिक्स जो होती हैं वो लाइट वेट होती हैं इन कंपैरिजन टू क्ले ब्रिक्स। इसके इस्तेमाल से क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर का सेल्फ वेट होता है वो कम हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जब बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनते हैं, अपार्टमेंट्स वगैरह बनते हैं, तब उसमें हम इस टाइप की ब्रिक्स को हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। फ्लाई ऐश ब्रिक्स का इस्तेमाल करने का एडवांटेज ये रहता है कि इनमें हाई स्ट्रेंथ भी होती है और हाई फायर इंसुलेशन भी होता है। इनका जो साइज़ होता है वो यूनिफॉर्म होता है, रेगुलर होता है, और जो है इसमें जॉइंट्स एंड प्लास्टर अच्छे से हो जाता है, और में वाटर का पेंटेशन भी कम होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें फ्लाई ऐश ब्रिक्स में अच्छी होती हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स में आती है हमारी कंक्रीट ब्रिक्स। देखिए जो कंक्रीट ब्रिक्स होती हैं ये कंक्रीट से मिलके बनती हैं, और कंक्रीट में जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह होते हैं वो होते हैं सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट और वाटर। इन सब चीज़ों से मिलके एक हमारा कंक्रीट तैयार होता है, तो उस कंक्रीट से हमारे कंक्रीट ब्रिक्स बनती हैं। कंक्रीट ब्रिक्स को हम जिस साइज़ में मैन्युफैक्चर करना चाहें उस साइज़ में हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और इसका एडवांटेज ये रहता है कि ये ईजिली कंस्ट्रक्शन साइट पर मैन्युफैक्चर हो जाती हैं। ये नहीं कि हम कहीं से दूसरी जगह से कहीं से बनवा के ला रहे हैं, दूसरी साइट से लेके आ रहे हैं, ये जहाँ पे साइट है हम वहीं पे इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ब्रिक्स को हम ज़्यादातर मैसनरी कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, फ्रेम बिल्डिंग्स में यूज़ करते हैं, फसाड्स में, फेंसेज में, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हम ज़्यादातर इन ब्रिक्स को यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि उसका जो बाहर से अपीयरेंस है, प्रेजेंस है, वो काफ़ी अच्छा लगे। कंक्रीट ब्रिक्स बेटर थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं इंटीरियर्स को नॉइस पोल्यूशन से, क्योंकि उसमें साउंड एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है और फायर रेजिस्टेंट भी होती हैं। नेक्स्ट टाइप की हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स होती है वो होती है इंजीनियरिंग ब्रिक्स। इंजीनियरिंग ब्रिक्स में हमारी हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है,
और ये ज़्यादातर स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जहाँ पर हमको स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए या फिर फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस चाहिए, एसिड रेजिस्टेंस चाहिए, लो पोरोसिटी चाहिए, तो हम इन सब जगह इंजीनियरिंग ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इंजीनियरिंग ब्रिक्स को हम ज़्यादातर बेसमेंट में इस्तेमाल करते हैं या फिर जहाँ पर केमिकल और वाटर अटैक्स ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इंजीनियरिंग ब्रिक्स का जो साइज एंड शेप होता है काफ़ी यूनिफॉर्म होता है, रेगुलर शेप होता है और इनका प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छा रहता है। एंड ये ब्रिक्स हमारी एज अ डैम प्रूफ कोर्स भी इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट टाइप की क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स होती हैं सैंड लाइम और कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक्स। ये जो कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक्स होती हैं ये सैंड और लाइम से मिल के बनती हैं और इनको पॉपुलरली जो नाम जिस नाम से जाना जाता है उसको कहते हैं सैंड लाइम ब्रिक्स। इन ब्रिक्स को हम ज़्यादातर स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कोई ऑर्नामेंटल वर्क है बिल्डिंग में, जैसे कोई डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करनी है या फिर कोई मैसनरी वर्क है, वहाँ पे हम इन ब्रिक्स को इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि हम ब्रिक्स की क्वालिटी को कंस्ट्रक्शन साइट पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अच्छी ब्रिक है, अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स का है। तो उसके लिए कुछ सेवरल पॉइंट्स हैं, तो एक एक करके हम उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ब्रिक को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उसका कलर देखना पड़ता है कि कलर उसका ब्राइट है, यूनिफॉर्म है, कैसा रेड कलर है, येलो कलर है, मतलब अच्छी ब्रिक का कलर एकदम डार्क रेड होना चाहिए। और नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो ब्रिक है हमारी वो अच्छी बर्न है कि नहीं, मतलब कि उसको क्लीन में अच्छे से बर्न किया गया है, कहीं उसमें कोई रफ सरफेस तो नहीं है, स्मूथ सरफेस है उसका और शार्प एजेस होनी चाहिए ब्रिक की, तो हम ये समझ जाते हैं कि ब्रिक हमारी अच्छी क्वालिटी की है। देखिए, अच्छी ब्रिक में जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो लेस होती है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ब्रिक हमारी साउंड प्रूफ रहनी चाहिए। और अच्छी क्वालिटी की जो ब्रिक्स होती हैं उसमें जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होनी चाहिए वो 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जब हम उसको पानी में डालें। और नेक्स्ट पैरामीटर हमारा आइडेंटिफाई करने के लिए ये होता है कि अगर दो ब्रिक्स को हम टकरा रहे हैं आवाज में, स्ट्रक करा रहे हैं, तो उसमें मेटालिक साउंड आनी चाहिए और ब्रिक का स्ट्रक्चर हमारा यूनिफॉर्म होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। और अगर हम ब्रिक को 1 मीटर हाइट से ड्रॉप कराते हैं तो वो ब्रिक ब्रेक नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट पैरामीटर हमारा है ब्रिक को आइडेंटिफाई करने के लिए कि अगर कोई ब्रिक में हम फिंगर नेल से स्क्रैच मारते हैं तो अगर वो स्क्रैच रह जाता है तो वो अच्छी क्वालिटी की ब्रिक नहीं है, अगर उसमें स्क्रैच नहीं रहता है तो एक वो अच्छी क्वालिटी की ब्रिक है। और नेक्स्ट पैरामीटर हमारा आइडेंटिफाई करने के लिए ये है कि अगर कोई ब्रिक है हम उसको 24 घंटे के लिए वाटर में डालते हैं, ठीक है, तो उसके बाद उसको हम निकालते हैं तो उसमें कोई वाइट डिपॉजिट या वाइट पाउडर फॉर्म में कोई सब्सटेंस ब्रिक पर नहीं मिलना चाहिए। तो ये थे कुछ पैरामीटर्स ब्रिक की क्वालिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रिक्स के बारे में। देखिए, कोई भी ब्रिक होती है तो उसकी 3 प्रॉपर्टी हमारी होती हैं, पहली हार्डनेस, सेकेंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। जो पहली प्रॉपर्टी ब्रिक की होती है वो होती है हार्डनेस ऑफ ब्रिक्स। देखिए, हार्डनेस में क्या होता है, अगर कोई अच्छी क्वालिटी की ब्रिक है तो उसमें रेजिस्टेंस अगेंस्ट एब्रेशन होगा। एब्रेशन का मतलब है, जैसे मान लीजिए अगर ब्रिक के कोई वियर एंड टीयर होता है या उसमें कोई हल्का सा रब होता है, कोई इंजरी आती है, कोई वाउंड होता है, तो वो ब्रिक जो है इजीली ब्रेक नहीं करनी चाहिए। तो ये होती है हमारी हार्डनेस ऑफ ब्रिक। नेक्स्ट टाइप की प्रॉपर्टी ब्रिक की होती है वो होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। देखिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और क्रशिंग स्ट्रेंथ एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो रिप्रेजेंट करती है कि कोई ब्रिक है वो कितना लोड बियर कर सकती है पर यूनिट एरिया पे, तो वो उसकी होती है क्रशिंग स्ट्रेंथ। और मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक होनी चाहिए 3.5 न्यूटन पर mm². और जो अच्छी क्वालिटी के जो ब्रिक होती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए 7-14 न्यूटन पर mm² क्लास ए ब्रिक के लिए। नेक्स्ट टाइप की प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिक हमारी होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्रिक। देखिए, कोई भी ब्रिक है तो उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट का वाटर जो है एब्जॉर्ब होता ही है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। जिसमें ज़्यादा होता है वो अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स नहीं है, जिसमें कम होता है तो वो अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स होती हैं। तो ऐसे ही कुछ स्पेशल पर्पस की ब्रिक्स बनाई जाती हैं, जैसे हैवी ड्यूटी ब्रिक्स, तो उसमें जो वाटर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो 5% होना चाहिए। और जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होती हैं उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए सिर्फ 20%, सेकेंड क्लास ब्रिक्स होनी चाहिए उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए 22%, और थर्ड क्लास पे होना चाहिए 25%।
तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ब्रिक्स के बारे में। आज हमने इस वीडियो में देखा है ब्रिक्स की क्लासिफिकेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके कुछ आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर्स। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।